ৰাতি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহ বিচৰণ खत्म हो गया क्या मैं? वो जो हम लोग का देखो टी शर्ट पहना हुआ ना अलग अलग कलर का हाँ। वो हम लोग का स्कूल है स्प्रिंगडेल पता नहीं क्या बोलते हैं मैच खत्म नहीं नहीं बट वो नेट्स पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस है शायद वो मैच कितने बजे स्टार्ट होगा मैच सारो फिल्म में शुरू करोगे नहीं कौन सी नेम आज इंटर स्कूल का मैच है किसके बीच है स्प्रिंगडेल और क्रिश्चियन एकेडमी स्प्रिंगडेल का बैटिंग हो गया ना क्या क्रिश्चियन का स्पिंडल का बैटिंग है क्रिशन का बैटिंग है क्रिशन का बैटिंग हो चुका है जो कि 113 का टारगेट है 20 ओवर्स में देखते हैं स्पिंडल जीत पाता है या नहीं ये लड़का ये लोग सब स्प्रिंगल में था बोला ना वो अपना नजाकत दिखा रहा है शॉट का गाइस इसके अंदर जो मैच चल रहा था अभी साउंड देखो कैसा आ रहा है लोग आ रहा होगा भाई एक विकेट ले लो छक्का मार दो जो भयंकर ऐसा लग रहा है दुनिया अपने आप चल रही है आपका एक्सपीरियंस बोलिए सर कैसा लग रहा है बहुत गंदा एक्सपीरियंस है ओए तो गाइस मैच तो चल रहा है और फिलहाल मैच देखने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि लेट भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम दिया और फिर उसके बाद गया स्टेडियम धूप में इतना देर खड़ा हो गया अब पूरा टायर्ड हो रहा है एक गिलास मैंने नींबू पानी पी लिया अभी चलते हैं सीधा रूम में चुके हैं रूम में और अभी चेंज करते हैं और लंच करते हैं फटाफट से बहुत ज़्यादा भूख लगा है तो चलो सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग आए गरम चाय शाम के बज चुके हैं 7:30 और मैं सो गया था एग्ज़ाम देके आने के बाद रूम में और इतना ज़्यादा मेरे को फ्रीजिंग हो रहा है ना और मीन्स सर्दी लगा हुआ है तो मैं सोच रहा यहाँ पर जिंजर वाला चाय पीते और निकलते यार बहुत ज़्यादा यार ठंडा भी ऐसे ही होता है लग जाता है सर्दी बहुत जल्दी सो गाइज ये इतना गर्म है ना देखो इसने ये थोड़ा गिरा भी दिया चलो कोई बात नहीं पर ये बहुत गर्म है चलो प्रैक्टिस लेट्स गो गाइज अभी थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं
अभी फिलहाल थोड़ा अच्छा लग रहा है कल रात से, क्योंकि कल रात मैं जल्दी सो गया था और तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था रात को। और फिलहाल देखो धूप सेक रहा था मैं, अभी इधर बैठा हूँ, देखो कितना धूप आया हुआ मस्त, अब सही लग रहा है ठंडा में, यही बहुत अच्छा लगता है। और देखो कितना प्यारा प्यारा फूल है इधर, बाकी कैंपस बहुत बढ़िया है। फिलहाल ऐसे बैठा हूँ, गाना सुन रहा हूँ और अभी लंच भी कर लिया थोड़ी देर पहले, अभी बज चुके हैं 11:30 और अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद पढ़ाई करना, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना हम लोग का, सेमेस्टर एक हो चुका है अकाउंटेंसी, क्योंकि मस्त हुआ और ठीक ठाक गया। और अभी बिजनेस लॉ है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, देखते हैं इसमें क्या होता है। और फिलहाल चलते हैं आप अंदर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले दरमियां, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो हाँ गाइस, कैसा लगा आपको सिनेमैटिक आप कमेंट में बताना, थोड़ा नया ट्राई किया इसको करने का, ऐसे ही मन किया तो बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, 3-4 दिन से मुझे एक बात आप लोगों को बोलना था कि हमारे चैनल पे टोटल 20,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली भाई। 10,000 1-1.5 महीने पहले हुआ था, 20,000 अभी हो चुके हैं। और हाँ, थैंक यू वेरी मच और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, जो भी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबको व्यूअर्स। और हाँ, एक चीज़ मैं रिवील करने वाला हूँ, जैसे हमारे चैनल पर 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं अपने फैमिली के लिए, जो यूट्यूब फैमिली है उसके लिए एक हैशटैग यूज़ करने वाला हूँ और एक हैशटैग रिलीज़ करने वाला हूँ जो आप लोग के लिए रहेगा। मीन्स आप लोग का एक टैग रहेगा, मेरे फैमिली जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए एक टैग रहेगा, वो मैं रिवील करूँगा। फिलहाल देखते हैं वो कब मेरे माइंड में आता है, मैं तो अभी भी सोच ही रहा हूँ क्या क्या रखूँ क्या नहीं। और बाकी आप लोग ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना और मैं ऐसे ही कंटेंट्स आप लोग तक लेके आऊँगा। और हाँ, वीडियोज़ 2 दिन बाद बाद आ रहा है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। 20,000 व्यूज़ तो हो ही गया है और आप लोग जल्दी से जल्दी 50,000 व्यूज़ और 1,00,000 भी हो ही जाएगा। बस हाँ, आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहो। और फिलहाल टाइम हो चुका है, 1:37, तो चलो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, अभी पढ़ रहा था इसको बंद करते हैं, नहाते हैं फटाफट से, नहाते लंच करते हैं और मिलते हैं आपसे। सो गाइस, लंच वगैरह हो चुका है और आज आपको पता है हमारे जोरहाट में कौन आ रहा है? जोरहाट में आ रहा है जुबिन गार्ग, क्योंकि उनका बर्थडे है आज और सामने एक फील्ड है वहाँ पे आने वाला है, कोर्ट फील्ड, तो चलेंगे, हमारे कॉलेज के पास ही है। तो अभी मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे, आज प्रोग्राम है बहुत बड़ा, तो देखेंगे आज पूरा ब्लॉग करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो चलो पहले रेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैं तो हो चुका हूँ रेडी, तो चलो फटाफट से निकलते हैं, शायद जो मिल पाऊँ, क्या पता वीडियो ना बना पाऊँ, पर जो भी है जो चल रहा है उधर वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलो वापस आना भी है जल्दी, तो निकलते हैं। सो गाइज, हम लोग आए थे बाहर अभी मोमो खाने और जिस भैया ने हमें मोमो नहीं दिया था लास्ट टाइम, इस बार स्टॉक भर के रखा है, भैया थैंक यू मोमो रखने के लिए। भाई वेज मोमो मिलता ही नहीं है कहीं पे, आप रखा है, थैंक यू। हम लोग आगे गया था वहाँ भी नहीं मिला, आपके पास मिला। चलो, हम लोग पहले बोला था। हाँ, सो गाइज, मैंने तो मोमो खा लिया है और फिलहाल बहुत अच्छा लगा, वेज मोमो बहुत दिन बाद मिला। और हाँ, उनके कॉन्सर्ट में गया था, ये ब्लॉग लेकिन अलग से बनेगा जो कि आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे, और क्योंकि इसके साथ ऐड करना नहीं चाहता क्योंकि मिक्सअप हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, उसका अलग से पर्टिकुलर ब्लॉग है जो कि आप लोग देख लेना, और ये अलग से है जो डेली वाला बेसिस था। तो हाँ, चलो अभी चलते हैं रूम में और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और कल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना यार, थोड़ा सा बचा है और पढ़ना और फिर हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, पता है ये वीडियो मीन्स बहुत बड़ा गया है,
और एक दो तीन तीन दिन का वीडियो था ये। हाँ बस मुझे एंड करने का टाइम नहीं मिला था और एडिट करने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हाँ चलो, उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके जाना। आप सुनते कल के फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।